Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And today I am going to discuss phenomenology as a qualitative research design. As you all know that nowadays I am discussing topics under the theme of qualitative research methodology, and phenomenology is one of the study, one of the approach under qualitative research methods. The lecture will be in bilingual mode and will be very useful for your research purposes, your MA and MA examination and other competitive teaching examinations as well. So do subscribe my channel too. Let's start. First of all, phenomenology. Phenomenology इससे मिलके बना है phenomena plus logi या logi या logos. तो phenomena क्या है? Phenomena means घटना, और logi मतलब क्या है? अध्ययन, यानी घटना का अध्ययन. इतना समझ में आ रहा है इसके नाम से ही. तो phenomenology is the study of structures of consciousness as experienced from the first person point of view. यानी कि phenomenology जो है वो consciousness के structure का अध्ययन है, यानी हमारे चेतन की जो संरचना है उसका अध्ययन है, जिसको कि first person point of view से experience किया गया है. मतलब मैंने अगर experience किया है तो बिल्कुल उसी तरीके से वो घटना का वर्णन होना चाहिए, उसमें कोई दुराव नहीं आना चाहिए, कोई उसमें pollution नहीं आना चाहिए, कोई उसमें impurity नहीं आनी चाहिए. Okay, the central structure of an experience is its intentionality. It's being directed towards something, as it is an experience of or about some object. यानी कि इसका जो मुख्य संरचना है, central structure है experience का, वो क्या होता है? Intentionality. यानी कि वो किसी किसी object के लिए, किसी अनुभव के लिए वो directed होती है ना, तो हमको intentionality का ध्यान रखना है. यही phenomena का central essence है. और phenomenology is commonly understood in either of two ways. तो phenomenology का जो origin है वो philosophy से हुआ है ना, तो इसको आप दो अर्थों में समझ सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं कि as a disciplinary field in philosophy, या तो ये जो आपका दर्शन है वो उसका एक फील्ड है, या एज ए मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, या दर्शन के इतिहास में चलाया गया हुआ एक आंदोलन है. लिटरली फिनोमेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिनोमेना. लिटरली अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो फिनोमेनोलॉजी फिनोमेना की स्टडी है. अपीयरेंसेस ऑफ थिंग्स और थिंग्स एज दे अपीयर इन आवर एक्सपीरियंसेस, यानी कि चीजें जैसे दिखाई देती हैं या चीजों का जैसे हम अनुभव करते हैं, और the ways we experience things, वो तरीके जिनसे हम उनका अनुभव करते हैं. Thus, the meanings things have in our experience, यानी कि हमारे अनुभवों में उसका क्या अर्थ है उस अनुभव का. Phenomenology studies conscious experience as experience from the subjective or first person point of view. तो जो phenomenology है वो हमारे चेतन अनुभव का अध्ययन है, जिसको कि first person के point of view से या subjective point of view से experience किया गया. यानी कि कोई उसमें सेकेंड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आना है, जिसने जैसा घटना का अनुभव किया है हमको बिल्कुल उस घटना को वैसे ही बताना है. हिस्ट्री अगर इसके देखें कहां से इसका ओरिजिन मिलता है, तो फेनोमेनोलॉजी केम इनटू इट्स ओन विद हसल, मच एज एपिस्टेमोलॉजी केम इनटू इट्स ओन विद डेकार्टे, एंड ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स केम इनटू इट्स ओन विद एरिस्टोटल ऑन द हील्स ऑफ प्लेटो. यानी कि जैसे कि इपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा हम डेकार्टे से जोड़ते हैं, ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स को हम एरिस्टोटल और प्लेटो के काम से जोड़ते हैं, उसी तरह से फेनोमेनोलॉजी का उद्भव हसरल के काम से हुआ है. और इनके काम को फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत से लोगों ने उसके बाद उस पर काम किया और फेनोमेनोलॉजी के लिटरेचर को आगे बढ़ाया. तो यहाँ से अगर हम इस चित्र से देखना चाहें तो ये जो हसरल है, इन्होंने 1913 में कहा कि फेनोमेनोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्शियस. यानी कि जो फेनोमेनोलॉजी है वो क्या है? चेतन के एसेंस का अध्ययन है, यानी कि चेतन के एसेंस का विज्ञान है. यानी कि जो भी चेतन रूप में हम अनुभव कर रहे हैं बिल्कुल उसी का मूल रूप है. फिर 1927 में हेडिगर बताते हैं कि इन बीइंग एंड टाइम वी इंटरप्रेट अवर एक्शंस एंड मीनिंग्स इन द वर्ल्ड बाय लुकिंग एट अवर रिलेशंस टू द वर्ल्ड. उसी तरह से 1930 में प्राउस्ट बताते हैं, मॉर्ले पॉन्टी बताते हैं, सार्त्र बताते हैं. तो ये इसकी हिस्ट्री है, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर हम चूंकि यहाँ पे इसको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसकी मतलब नाम हमको पता होगा तब भी चलेगा, हसरल का नाम पता होगा आपको तब भी चलेगा, साइंस ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्शियस पता होगा तो भी चलेगा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए. ठीक है, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है. फिर फेनोमेनोलॉजी को कैसे क्वालिटेटिव अप्रोच से जोड़ा गया, तो अगर हम ये मान के चलें कि क्वालिटेटिव अप्रोच टू इंक्वायरी, भाई क्वालिटेटिव अप्रोच है क्या? कि घटना का अध्ययन है, डिस्क्रिप्शन करना है, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, रियल वर्ल्ड सेटिंग में करना है, एज इट इज करना है, तो उसके कई अप्रोचेस, इन्होंने पांच ही लिए, अभी इसमें और भी हो सकती है, जैसे इसमें एथनोमेथोडोलॉजी और फोकस ग्रुप डिस्कशन मिसिंग है. तो जैसे एक हो सकती है नैरेटिव इंक्वायरी या नैरेटिव रिसर्च, इस पे बात हम लोग कर चुके हैं, ग्राउंडेड थ्योरी पे बात कर चुके हैं, एथनोग्राफी पे बात कर चुके हैं, केस स्टडी को हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स के तहत पढ़ा है. तो नैरेटिव इंक्वायरी क्या है? कि एक्सप्लोरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ, एक व्यक्ति की जीवन का अध्ययन है,
ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, जनरेट अ थ्योरी फ्रॉम डेटा ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि पार्टिसिपेंट से जो डेटा मिल रहा है उससे थ्योरी इमर्ज हो रही है। एथनोग्राफी क्या है, कल्चरल स्टडी है, किसी पर्टिकुलर कल्चर का अध्ययन है कि उस विशेष कल्चर के लोग कैसे चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब है। केस स्टडी क्या है, एक या दो इंडिविजुअल की पूरी केस स्टडी है। और उसी में फेनोमेनोलॉजी क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द शेयर्ड एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो घटना किसी ने अनुभव की हुई है उसका एकदम एसेंस हमको समझना है और उसको एज इट इज लिखना है। बाकी ये डिटेल आप अपने से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ विशेष नहीं। फेनोमेनोलॉजी एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च, तो अब हम देखते हैं कि फेनोमेनोलॉजी क्वालिटेटिव रिसर्च के रूप में कैसे उपयुक्त की जाती है। तो इट इज एन अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च दैट फोकसेस ऑन द कॉमनैलिटी ऑफ ए लाइव एक्सपीरियंस विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि विशेष समूह में कुछ अनुभव है जो लोगों ने शेयर किया है, हमको उसी पर फोकस करना है। एंड द फंडामेंटल गोल ऑफ द अप्रोच इज टू अराइव एट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमेना। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, मूलभूत उद्देश्य क्या है कि वो जो पर्टिकुलर फिनोमेना है उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, यानी उसके उसकी प्रकृति का डिस्क्रिप्शन करना है हमको। दिस अप्रोच हाईलाइट्स द स्पेसिफिक्स एंड आइडेंटिफाइज द फिनोमेना एज परसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इन ए सिचुएशन। और ये अप्रोच हाईलाइट करती है क्या, स्पेसिफिक्स यानी विशिष्टता, और पहचान करती है उस फिनोमेना को जैसे इस इंडिविजुअल ने जिस सिचुएशन में उसको परसीव किया हो। और इस एम इज टू एक्सट्रैक्ट द प्योरेस्ट डेटा दैट हैज नॉट बीन अटेन बिफोर। और इसका उद्देश्य क्या है कि डेटा हमको एकदम शुद्ध फॉर्म में मिले, बिल्कुल वैसा जैसा अनुभव किया गया है और जैसा कभी पहले निकाला न गया हो। थ्रू दिस मेथड रिसर्चर्स अटेम्प्ट टू आंसर टू मेजर क्वेश्चंस। और इस मेथड के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है उसका मुख्य मतलब गोल होता है कि वो दो मुख्य क्वेश्चंस के आंसर पा पाए। कौन से, व्हाट आर द सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द फेनोमेना, यानी कि उस घटना से संबंधित उस विषय का अनुभव क्या है, एंड व्हाट फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द फेनोमेना, और उस घटना के अनुभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है ना। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा फेनोमेनोलॉजी में जो उसको बाकी चीज़ों से अलग बनाता है, बाकी अप्रोचेज से, या कौन से वो विशेष गुण होंगे तो वो स्टडी आपकी फेनोमेनोलॉजी हो जाएगी। तो फेनोमेनोलॉजी इज ए मेथड हैज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, चार मुख्य गुण हैं इसके, होने ही होने चाहिए इसमें। क्या क्या, डिस्क्रिप्शन, रिडक्शन, एसेंस एंड इंटेंशनैलिटी। डिस्क्रिप्शन मतलब घटना का वर्णन एज इट इज करना है, रिडक्शन मतलब सारे बायसेज रिड्यूस करने हैं, एसेंस मतलब जो उसका मेन थीम है वो आपको अध्ययन करना है, और इंटेंशनैलिटी मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच का एकदम बैलेंस। डिस्क्रिप्शन क्या है, द एम ऑफ फेनोमेनोलॉजी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेनोमेना एंड नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेना, यानी कि यहाँ पे वो घटना का वर्णन व्याख्या नहीं करनी है बल्कि वर्णन करना है। व्याख्या का मतलब कि आप उसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे ना, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं, जैसे है एज इट इज। एंड फेनोमेनोलॉजी मीन्स डिस्क्राइबिंग समथिंग टू द थिंग इटसेल्फ, मतलब जैसा जो घटना घटित हुई है बिल्कुल वैसा ही। रिडक्शन में क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच द अजम्पशंस एंड प्रेजुडिसेस अबाउट द फेनोमेना आर डिलेड टू इंश्योर दैट बायसेस डू नॉट पोल्यूट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि वो जो अनुभव है, वो जो प्रेक्षण है, उसका जो वर्णन है, वो उसको कोई अजम्पशन, कोई बायस, कोई प्रेजुडिस, कोई भी बात डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल वो वैसे ही आ जाए जैसा कि घटित हुआ है, प्योरेस्ट फॉर्म में है ना। सॉरी, एसेंस में क्या है, दी एसेंस इज द कोर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इन सर्टेन फेनोमेना एज दे आर, यानी कि किसी विशेष घटना में जो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस है उसका जो कोर मीनिंग है, मतलब एकदम उसका जो सत्य अर्थ है, वही एसेंस है, और हमको एसेंस का ध्यान रखना है। मतलब व्हाट इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द फेनोमेना, यानी कि उस घटना को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें से क्या निकल के आएगा, फ्री इमेजिनेशन, इंट्यूशन, रिफ्लेक्शन, सब कुछ उसका एसेंशियल एसेंस बनाती है, और ये हमारे फेनोमेनोलॉजी का एक विशेष गुण है। और इंटेंशनैलिटी, फेनोमेनोलॉजी यूजिंग टू कॉन्सेप्ट्स, देखिए दो नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, नोएसिस और नोएमा, ये हमको ये दो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, यूज करना है इंटेंशनैलिटी को एक्सप्रेस करने में। इंटेंशनैलिटी है क्या, रिफर्स टू द कोरिलेशन, यानी सहसंबंध है किसके किसके बीच का, नोएमा और नोएसिस का, जो कि किसी घटना का इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट करती है। जैसे नोएमा क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ बिहेवियर, यानी कि कोई भी व्यवहार है, कोई भी घटना है, कोई भी अनुभव है, उसका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, मतलब हमने उसमें अपना कुछ सब्जेक्टिव नहीं डाला। और व्हाइल नोएसिस इज अ सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, देखिए जो भी घटना हमको पता चलेगी तो लिख तो हम ही रहे हैं ना, तो सब्जेक्टिविटी तो आनी ही आनी है क्वालिटेटिव रिसर्च में, हम चाहे जितना भी कोशिश करें उसको बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि लिख तो रिसर्चर ही रहा है ना, लिख तो सब्जेक्ट नहीं रहा है, सब्जेक्ट से हम निगोशिएशन करते हैं, रीनिगोशिएशन करते हैं, बार बार निगोशिएशन करेंगे तब भी
हमारा सेल्फ उसमें आएगा. तो यही कोरिलेशन बिटवीन नोएमा और नोएसिस है, वो इंटेंशनैलिटी है. और मेथड, अगर हम इसको एज अ मेथड यूज करें तो क्या होगा कि हम पहले तो वो केसेस चुनेंगे जिन पर वो घटना घटित हुई है, तभी तो हम उन पर से बातचीत करेंगे या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे. अच्छा, सॉरी, फेनोमेनोलॉजी अगर रिसर्च मेथड है तो कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर हम फेनोमेनोलॉजी से ढूंढना चाहेंगे. जैसे कोई बिल्कुल विशिष्ट अनुभव, जैसे कैंसर पेशेंट की लास्ट स्टेज जब होती है, जब उनको पता चल जाता है कि वो अब ट्रीटमेंट उन पर काम नहीं कर रहा है, तो वो कैसा फील करते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस है, वो फेनोमेना उनकी जिंदगी में कैसे, मतलब कितना कष्टकारी और माय गॉड, ठीक है. या कोई रेपिस्ट, मतलब किसी पर किसी का रेप हो गया है, उस का वो जो घटना उसके जीवन में, या कोई बहुत एकदम जैसे सुनामी में जो लोग बच गए, या भयानक आग लगी वो बच गए, या भयानक एक्सीडेंट से बच गए, मतलब वो एक्सपीरियंस वो बिल्कुल पर्टिकुलर है, वो बिल्कुल विशिष्ट है, वो बिल्कुल उनका है, वो एक्सपीरियंस किसी और का नहीं हो सकता है ना. तो वो हमको अध्ययन करना होता है इस तरीके की स्टडी से, ताकि बिल्कुल उसको प्योरेस्ट फॉर्म में निकाल कर ले आए. तो इसमें आपको क्या करना होगा कि इंटरव्यूज लेने होंगे, कन्वर्सेशन करना होगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना होगा, एक्शन रिसर्च चलेगी, और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए गुड लेवल ऑफ रैपो एंड एम्पैथी इज क्रिटिकल टू गेनिंग डेप्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली वेयर द पार्टिसिपेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेक, है ना. यानी कि हमको सबसे पहले एक बहुत इम्पैथाइज होना होगा उनसे, कहीं भी आपको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है. आपको सिर्फ और सिर्फ घटना का वर्णन करना है, घटना के बारे में पता करना है. अगर आपने उसमें अपना वैल्यू और अपना एथिक्स डाला तो आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा, ना ही कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा, है ना. फिर अगर रिसर्च डिजाइन के रूप में फेनोमेनोलॉजी को देखें, तो इसको बाद में मैंने टेक्स्ट फॉर्म में भी दे दिया है. प्रोसेस क्या है, डिटरमिन इफ रिसर्च प्रॉब्लम फिट्स अ फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च अप्रोच. मतलब सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना है कि जो समस्या है उस पर फेनोमेनोलॉजी फिट बैठती है कि नहीं. फिर आइडेंटिफाई फेनोमेना टू स्टडी. फिर हमको घटना को सुनिश्चित करना है कि हाँ, इस घटना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं. फिर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रिसर्चर अजम्पशंस ऑफ द फेनोमेनोलॉजी, कलेक्ट डेटा, एनालिसिस, राइट टेक्स्चुअल एंड स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन, राइट अ कंपोजिट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन रिटन फॉर्म. इस तरीके से चलेंगे तो फेनोमेनोलॉजी की रिसर्च का डिजाइन कंप्लीट होगा. इसी का हमने यहाँ पे लिख दिया कि पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फेनोमेना कीजिए, फिर डेवलपमेंट ऑफ ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, फिर ब्रैकेटिंग पर्सनल प्रेजुडिसेस. ब्रैकेटिंग देखिए बार बार फेनोमेनोलॉजी में यूज होता है, मतलब अपने प्रेजुडिस को हमको ब्रैकेट में कर लीजिए, वो कहीं जाए ना, कहीं डिस्टर्ब ना करे किसी डेटा को. कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, डेटा की एनालिसिस कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्पोजिट डिस्क्रिप्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन. मेरिट्स क्या क्या है इसकी, देखिए बहुत एकदम प्योरेस्ट डेटा निकल सकता है, एकदम अगर आपने वाकई बहुत अच्छे से किया तो वो चीज़ निकल के आएगी जो कहीं कभी ना निकल के आई हो ना. रिसर्च लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड गेन इनसाइट्स इनटू देयर एक्शंस एंड मोटिवेशन, ब्रॉडन देयर नॉलेज अबाउट अ सर्टेन फेनोमेना, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द फेनोमेना, उस घटना के प्रति जागरूकता निकल के आ सकती है. क्लेरिफाइंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन लाइव एक्सपीरियंस एंड द थियरीज यूज्ड टू एक्सप्लेन दोज एक्सपीरियंसेस, यानी कि उस घटना के लिए जो थियरीज विद्यमान है उसमें आप क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं. कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थियरीज, न्यू थियरी निकल के आ सकती है, न्यू थियरी का विकास हो सकता है. तो मतलब बहुत इसकी मेरिट्स बढ़िया है. बट डी मेरिट्स, रिसर्चर इंड्यूस्ड बायस, कितना भी आप ब्रैकेट करेंगे अपना प्रिजिडिस, अपना एजम्पशन, कहीं ना कहीं वो आएगा, बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर मतलब हम खुद जीते जागते इंसान है, हमारा सेंटिमेंट है, हमारा एक्सपीरियंस, हो सकता है वो एक्सपीरियंस हमारे संग भी शेयर हुआ हो, तो वो हमारा सब वो टकराव हो जाएगा अहम का, वैल्यूज का, ईगोज का, प्रिजिडिस का. तो ये बहुत मुश्किल है इसको रोकना. डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये तो हमेशा से झगड़ा है क्वालिटेटिव रिसर्चेस के साथ. Participants may not be able to express their views articulately due to factors like language barrier, age or cognition. मान लीजिए आपकी उम्र है 50 साल और आप रिसर्च करने जा रहे हैं, और जो रिसर्चर है उसकी, मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी उम्र 18 साल है, तो वो कितना भी चाहेगा तो आपसे वो एक सार नहीं हो पाएगा ना, मतलब एज गैप आ जाएगा, हाँ आप कह सकते हैं जनरेशन गैप आ जाएगा. कॉग्निशन, किस तरीके से वो समझ रहे हैं, उनका कॉग्निटिव लेवल क्या है, आपका कॉग्निटिव लेवल क्या है, मैच नहीं कर रहे हैं दोनों लेवल, तो भी चीज़ें उस तरह से निकल के नहीं आएंगी, भले उस पर ही घटित हुआ है लेकिन वो उस तरह से बता नहीं पाएगा उसको. लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो ये आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम वाकई फेनोमेनोलॉजी को रिसर्च अप्रोच मेथड के रूप में अपनाएं तो कितना बढ़िया कुछ हम निकाल कर दे सकते हैं लिटरेचर को, है ना. तो बहुत अच्छा मेथड है, बट एज यूजुअल जो क्वालिटेटिव रिसर्चेस की डीमेरिट्स हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग है, बायस आ जाते हैं, आप सो कॉल्ड वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करना इसका मुश्किल है, ये सारी चीज़ें इसके साथ भी हैं. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.
join my Telegram group 2. I have completed phenomenology 2. Only two major approaches have been left, that is ethnomethodology and focus group discussion. I will discuss later. Okay, done from my side.